हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा आज मैक्रो का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट बजट। बाबू लेक्चर लगने चाहिए दो। हाँ जी, एक आज का लेक्चर और एक कल का लेक्चर, और यूनिट खत्म हो जानी चाहिए। उसके बाद बेटा पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है जी। वो गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन मैंने लिख दी थी एडवांस ही, ठीक है, ताकि टाइम बर्बाद ना हो। वो आराम से एनालिसिस करेंगे सर। डेफिनेशन दिखने में दो लाइन की ही है, एनालिसिस थोड़ा ठीक ठाक रहता है इस पर। वो कहता है इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टीमेट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। वो क्या मतलब है इस डेफिनेशन से? सबसे पहली बात, तो ना सुधरी हो कभी जिंदगी में बाबू। कहता है इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। बाबू अगर इसने बोल दिया कि गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है, तो बेटा मतलब क्या? बाबू बड़ी सीधी सी बात है, साल में एक ही बार आएगा, एनुअल स्टेटमेंट है। दूसरी बात बेटा, जब मैं चैप्टर शुरू कर रहा हूं ना गवर्नमेंट बजट, तो देखो बजट हर गवर्नमेंट बनाती है, इधर स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, बेटा हर गवर्नमेंट का अपना बजट होता है। लेकिन बेटा जब मैं चैप्टर की बात कर रहा हूं, मेरा मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से है, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली यूनियन बजट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट को यूनियन बजट बोलते हैं। पेपर में 1 मार्क क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंफर्म होता है, ठीक है जी। तो मेरा मतलब बेटा सब यूनियन बजट से, सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से, ठीक है जी। वो साल में कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। आपको पता है डेट? आएगा बेटा, अभी आएगा, 1 फरवरी को आएगा, अभी 2024 में आने वाला है। सबसे लेटेस्ट तो हमारे सामने यही है, ठीक है जी। बेटा कौन प्रेजेंट करता है बजट? बस नीचे देखो, प्रेजेंट कौन करता है? हर बार सेम क्वेश्चन का सीक्वेंस नहीं होता है ना बाबू। तो बाबू फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है बजट विद द अप्रूवल ऑफ। भाई अब रुक जाओ, अब ज्यादा भी ना करो, ठीक है ना, एक लिमिट तक करो जितना बर्दाश्त कर सको। बेटा प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर विद द अप्रूवल ऑफ प्रेजिडेंट। ऑल्दो बेटा ये सिर्फ नौटंकी होती है, इंडिया में प्रेजिडेंट की पावर इतनी नहीं है, ठीक है ना, पर हर चीज में जान के उसकी अप्रूवल डाली हुई है। मना वो भी नहीं करता, हाँ वो क्या कहेगा, प्रेजेंट कर लो ना, थोड़ी कर रही है उसने, ठीक है ना। लेकिन हाँ 1 मार्क क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है बेटा, वो प्रेजिडेंट की अप्रूवल से प्रेजेंट होता है। क्लियर है इतनी बात? बढ़ाए बात को आगे। अच्छा किसी को ये मौका आता है कि फाइनेंस मिनिस्टर बैठकर बनाता है गवर्नमेंट बजट? कुछ नहीं भैया, इतने सारे आईएएस ऑफिसर, इतने पढ़े पढ़े लिखे लोग करते हैं ये सारा काम, ठीक है। और आपको बता देता हूँ बजट प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है, और आपको ये भी बता देता हूँ बेटा जितने लोग बजट प्रिपरेशन में इन्वॉल्व हैं, किसी भी तरीके से अपनी फैमिली से कोई कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते जब तक प्रेजेंट नहीं हो जाता बजट। उनका कनेक्शन तोड़ दिया जाता है ना वाया टेलीफोन। बेटा एक होटल के एक रूम में बंद रहते हैं, या फाइनेंस मिनिस्ट्री के रूम्स में बंद रहते हैं, कोई बात नहीं कर सकते किसी से भी। बाबू ऐसा क्यों किया जाता है? अगर थोड़ा सा आपको बिजनेस में एक टर्म याद है, मैं वो टर्म बोल देता हूं, इनसाइडर ट्रेडिंग से बचने के लिए। क्योंकि बजट में बेटा ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे बेटा कई चीजों का दाम बढ़ सकता है और कई चीजों का दाम बहुत गिर सकता है। जो लोग बजट प्रिपरेशन में इन्वॉल्व हैं तो वो आफ्टर ऑल इंसान ही, लालच किसी के भी दिमाग में आ सकता है। वो अगर उनका कांटेक्ट रहेगा ना सभी के साथ, तो बेटा वो अपनी फैमिली को तुरंत कॉल करके बता देंगे ये कर लो, इस चीज के दाम ना भागने वाले हैं, स्टॉक कर लो इसको, जितना पैसा है ऐसे ही दाम भागेंगे बजट के अनाउंसमेंट के बाद, बेच के खा देंगे। तो बेटा ये चीज गवर्नमेंट कभी चाहती नहीं है, इसलिए उनका कोई कांटेक्ट नहीं होगा, उनकी फैमिली से उनका कांटेक्ट तोड़ दिया गया होगा। 40-42 दिन ना मिलेंगे ना बात करेंगे, ठीक है जी। चलो जी बात को आगे बढ़ाता हूँ, जितनी जरूरी थी उतनी बता दी। वो बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज
एस्टीमेट्स ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। बेटा फिस्कल ईयर से मेरा मतलब क्या है बेटा, बजट बेटा एक फाइनेंशियल ईयर के लिए आता है। तो बाबू ये क्या मतलब है एस्टीमेट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। बेटा जब 1 फरवरी 2024 को भी बजट आएगा तो बेटा ये बजट किस फाइनेंशियल ईयर के लिए होगा, इट इज फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 25 तक ये बजट लगेगा। बाबू अब एक बात बताओ, 1 फरवरी को गवर्नमेंट कोई रिसीट और एक्सपेंडिचर की एक्चुअल फिगर बता सकती है क्या? तो गवर्नमेंट बेटा अंदाजा दे रही होती है उस बजट में, एस्टीमेट के तौर पर बता रही होती है कि इस पूरे साल भर में हम क्या 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 कमाने वाले हैं और क्या 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 खर्चने वाले हैं। इसलिए वर्ड बोला गया इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टीमेट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। ये सिर्फ अंदाजे हैं बेटा, इट इज नॉट एक्चुअल फिगर। और एक्चुअल कैसे हो सकती है, फ्यूचर किसने देख लिया भैया? क्लियर है बेटा बात, समझ में आती है बेटा? आइटम वाइज का मतलब समझते हो कि डायरेक्ट टैक्स से कितना कमा लेगी गवर्नमेंट, डिविडेंड से कितना कमा लेगी, बोरोइंग से कितना कमा लेगी, रिकवरी ऑफ लोन से कितना, डिसइन्वेस्टमेंट से कितना, इनडायरेक्ट टैक्सेस से कितना, फाइन से कितना, एक एक आइटम वाइज बताते हैं कहां कहां से पैसा आएगा। और ऐसे ही आइटम वाइज बताते हैं कहां कहां खर्चा करेंगे, क्लीन गंगा मिशन में इतना खर्चा, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए इतना, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इतना, पीडीएस में इतना, सब सब कुछ आइटम वाइज खर्चे भी और रिसीट्स भी, पर हैं सिर्फ अंदाजे। क्लियर है बेटा बात, समझ में आई डेफिनेशन? क्लियर, बढ़ाएं बात को आगे। चलो जी बढ़ाते हैं बेटा बात को आगे। बाबू एक टॉपिक है बुक में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। बाबू कल बिल्कुल लास्ट में कर रहा हूं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, आगे बढ़ा रहा हूं बात को। बेटा मैं बात कर रहा हूं कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट की, कि गवर्नमेंट बजट में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। अगर बेटा अगर आपने डेफिनेशन ढंग से सुनी है तो कंपोनेंट तो दिमाग में भी आ गए होंगे। बेटा दो कंपोनेंट होते हैं गवर्नमेंट बजट के, बजटरी रिसीट्स और बेटा बजटरी एक्सपेंडिचर। बाबू पढ़े हैं ना अभी आपने डेफिनेशन में दोनों कंपोनेंट, बजटरी रिसीट्स और बजटरी एक्सपेंडिचर। बेटा ये दो कंपोनेंट होते हैं गवर्नमेंट बजट के। बाबू बजटरी रिसीट्स में क्या आता है बेटा, दो तरीके की रिसीट्स आती है बेटा। फर्स्ट इज रेवेन्यू रिसीट्स एंड अदर वन इज कैपिटल रिसीट्स। ऐसे ही बेटा बजटरी एक्सपेंडिचर में बेटा दो तरीके के एक्सपेंडिचर आते हैं बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है जी बाबू, मेरी चर्चा आज सिर्फ इतने पोर्शन तक है, अगर इतना कर लोगे तो मुझे लगेगा भैया गंगा नहा ली बस, इतना भी बहुत है। ठीक है जी, और अगर इतना हो गया तो कल इस चैप्टर का खत्म होना 101% श्योर। ठीक है जी बाबू, बात करेंगे रेवेन्यू रिसीट्स की, फिर बात करेंगे कैपिटल रिसीट्स की। बाबू इनकी चर्चा मैं कल रखूंगा, अभी पहले इनकी डेफिनेशन का जिक्र करते हैं। बेटा पेपर में क्या होता है, ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है, कोई ना कोई आपको आइटम दे दी जाती है और आपको कहा जाता है आइडेंटिफाई करो ये रेवेन्यू रिसीट है, कैपिटल रिसीट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो बाबू अगर आपको जस्टिफाई करना भी है कि ये चीज क्या है इन चारों में से, तो बेटा जस्टिफाई कैसे करोगे? बेटा इसको जस्टिफाई करने का सिर्फ एक तरीका है, डेफिनेशन। बेटा इनकी डेफिनेशन पढ़ता होनी चाहिए आपको। ठीक है जी बाबू, रेवेन्यू रिसीट्स की डेफिनेशन क्या है मैं लिख देता हूं एक बार, इट नीदर क्रिएट्स लायबिलिटी नॉर कॉजेस रिडक्शन इन एनी एसेट्स। लो बेटा बाबू रेवेन्यू रिसीट्स की डेफिनेशन ये है, इट नीदर क्रिएट लायबिलिटीज नॉर कॉसेस रिडक्शन इन एनी एसेट्स। बाबू ना तो ये लायबिलिटी क्रिएट करती हैं सरकार की, ना ही सरकार की किसी एसेट्स को रिड्यूस कर देने वाली है, सारी रेवेन्यू रिसीट्स। अभी बेटा मैं बहुत सारी पढ़ाऊंगा, उसमें से बेटा बहुत सारी का जस्टिफिकेशन भी दूंगा कि ना तो इससे सरकार की कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही, ना ही कोई एसेट्स रिड्यूस हो रही। सेम वे बेटा कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं? बाबू इसी डेफिनेशन को पॉजिटिव सेंस में कन्वर्ट कर दो, इट आइदर क्रिएट्स लायबिलिटी
और कॉसेस रिडक्शन इन एनी एसेट्स। या तो बेटा ये लायबिलिटी क्रिएट कर देंगी सरकार की, या बेटा सरकार की एसेट्स को रिड्यूस कर देंगी। कोई दिक्कत तो नहीं? डेफिनेशन जब तक दिमाग में रहेगी बेटा, आप चारों चीजों में से आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या चीज क्या है। ठीक है जी, इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं? अभी डेफिनेशन का यूज होता ही जाएगा, घबराना नहीं। डेफिनेशन का यूज कम से कम 10 बार होगा अभी, आज ही तो याद हो जाएगी, दिमाग में टेंशन नहीं है। बाबू रेवेन्यू रिसीट्स दो तरीके की हैं बेटा, टैक्स रेवेन्यू और बेटा नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, और बेटा टैक्स रेवेन्यू फर्दर दो तरीके के हैं आपके फेवरेट बाबू, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब मैं लिखने वाला पोर्शन बहुत कम कर दूंगा, सिर्फ समझने वाली बातें ज्यादा करेंगे बाबू। मैंने अभी गवर्नमेंट बजट के दो कंपोनेंट बताए, फटाफट से नाम बताओ। बजट रिसीट्स और बजट एक्सपेंडिचर। रिसीट्स के दो टाइप है, रेवेन्यू और कैपिटल। बाबू रेवेन्यू के दो टाइप है, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स के दो टाइप है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। बाबू क्या फर्क होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में? बेटा डायरेक्ट टैक्सेस ना जिसके ऊपर लेवाए हो रहे हैं उसी को पे कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं हमेशा बोलता हूं लेवाए एंड पेड बाय अ सिंगल पर्सन, ठीक है ना जी। जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हो रहे हैं बेटा? बाबू लेवाए किसी और पे हो रहे हैं, पे कोई और करता है। लेवाए ऑन वन, पेड बाय अनदर। बेटा डायरेक्ट टैक्सेस जिसके ऊपर लग रहे हैं वही पे करेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस लग किसी और के ऊपर रहे हैं, पे कोई और कर रहा होता है। हमेशा की कहानी है ये, आराम से सुन लो समझते हैं बेटा। डायरेक्ट टैक्सेस का ना इंडिया में एक लौता एग्जांपल इज इनकम टैक्स। बस बुक वाले ओछी हरकत करते हैं, कभी इसका नाम देते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, कभी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। भैया एक लौता टैक्स है इनकम टैक्स, जो कंपनी टैक्स देती है इनकम टैक्स, उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। तो जान के लिख देते हैं पेपर में एग्जाम्पल कॉर्पोरेट टैक्स, भैया वो इनकम टैक्स ही है। कई बार पेपर में लिख देते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, भैया डिविडेंड के ऊपर जो इनकम टैक्स लगता है उसी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बोलते हैं। द सोल एग्जाम्पल इज इनकम टैक्स, ठीक है। कम से कम हमें टैक्स तो ना बताओ भैया। बाबू इनडायरेक्ट टैक्सेस, बाबू अभी भी कस्टम लगता है, अभी भी बेटा कुछ जगह पर एक्साइज लगती है, जैसे कि शराब के ऊपर अभी भी एक्साइज लगती है। लिकर बेटा आउट ऑफ द परव्यू ऑफ जीएसटी है। 5 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अभी तक जीएसटी में नहीं आए, ठीक है ना। लिकर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं 4, ठीक है ना जी। ये अभी भी जीएसटी के परव्यू से बाहर है। आप एग्जाम्पल जरूर लिख सकते हो एक्साइज और कस्टम, लेकिन बेटा सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज की तारीख में इनडायरेक्ट टैक्स का जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ठीक है जी। मैंने जान के इनके नाम बोल दिया ताकि मेरे को एग्जाम्पल देने में सहूलियत हो, मेरी तरफ देखना। तो वो मान लो मैंने ट्यूशन पढ़ाने से पूरे साल भर में 12 लाख रुपए की इनकम अर्न करी, ठीक है जी। बहू अब मेरे को सरकार को इनकम टैक्स देना है। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि 12 लाख की तो जो आपने फीस दे दी 2 लाख रुपए मेरे ऊपर इनकम टैक्स है वो भी ला कर दो। बेटा इनकम टैक्स क्या होता है? आपको अपने पैसों देना है, लिवाइड एंड पेड बाय द सेम पर्सन, जिसके ऊपर लग रहा है उसी को पे करना है। मेरे ऊपर लग रहा है ना, मुझे ही अपनी इनकम में से देना है। 12 लाख रुपए मैंने कमाए, 2 लाख रुपए अपनी ई इनकम में से मैंने टैक्स दिया, मेरे पास नेट डिस्पोजेबल इनकम बची 10 लाख रुपए। लेवाए एंड पेड बाय द सेम पर्सन। बट बेटा जीएसटी में ऐसा नहीं होता, लेवाए किसी और पे होता है, देता कोई और है हमेशा। जैसे कि समझाने के लिए एक बात करूं आपसे, हमेशा एग्जांपल देता हूं ताकि दिमाग में फिट रहे। डोमिनोज, आप बेटा डोमिनोज में गए, जीएसटी उसको देना है। आपने 500 रुपए का पिज्जा खरीदा, उसने बिल बनाकर दे दिया 500 रुपए सेल प्राइस ऑफ पिज्जा प्लस जीएसटी 5%, 25 रुपए, 525 आपसे ले लिए। भैया देना किसको था जीएसटी? उसको। लेकिन निकलवाया किससे उसने? आपसे। लेवाए ऑन डोमिनोस पेड बाय द कंज्यूमर्स, इसलिए जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। क्यों इनडायरेक्ट है बेटा? बाबू लग किसी और पे रहा है, पे कोई और कर रहा है। और इनकम टैक्स को डायरेक्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि जिसके ऊपर लग रहा है उसी को ही पे करना है अपनी इनकम में से। समझ में आ रही है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं इस बात में, ठीक है ना बाबू। 4 बेसिस पे डिफरेंस आता है डीटी और आईडीटी में बाबू। सबसे पहली बात, लेवाए एंड पेड बाय द सेम पर्सन, लेवाए ऑन वन पेड बाय अनदर।
पहला डिफरेंस क्लियर है, पहला डिफरेंस क्लियर है डीटी और आईडीटी का। दूसरा डिफरेंस आपको पता ही, एग्जांपल आप सबका फेवरेट, दूसरा बेसिस एग्जांपल इनकम टैक्स है और ये जीएसटी कस्टम और एक्साइज कुछ भी लिखो, दो गए। तीसरी और काम की बात बाबू, डायरेक्ट टैक्सेस आर ऑलवेज लिवाई ऑन द एंटिटीज लाइक इंडिविजुअल्स कंपनीज कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म एचयूएफ ब्ला 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 ब्ला। बाबू डायरेक्ट टैक्सेस हमेशा एंटिटीज के ऊपर लगते हैं, चाहे इंडिविजुअल है वो एचयूएफ है वो फर्म है या कंपनी है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस बेटा ये एंटिटीज के ऊपर नहीं लगते, दे लिवाइड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेस, ये गुड्स और सर्विस पे लगते हैं, किसी एंटिटी पे थोड़ी लगते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। समझ में आती है बेटा बात? तीन डिफरेंस मैंने बता दी। लास्ट वन बेटा, डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव इन नेचर व्हाइल इनडायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोपोर्शनल इन नेचर। भैया ये क्या होता है बाबू? ये प्रोग्रेसिव इन नेचर है। प्रोग्रेसिव इन नेचर क्यों बोला गया इनको बेटा? ये अमीरों के ऊपर कम, सॉरी गरीबों के ऊपर कम और अमीरों के ऊपर ज्यादा, इसलिए बेटा बोला गया प्रोग्रेसिव। जैसे जैसे तरक्की करोगे वैसे वैसे टैक्सेस बढ़ते हैं। इनकम टैक्स का स्लैब है 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना आज की तारीख में, ठीक है जी। और बाबू अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख है तो 20% टैक्स देना है, और 10 लाख से ऊपर है तो बेटा 30% टैक्स देना है। अब मैं कहता हूँ बाबू, एक आदमी आप सोचो गरीब आदमी है, 30,000 रुपये महीना कमाता है, मेरे लिए तो गरीब की डेफिनेशन ही है, ठीक है जी। 30,000 रुपये महीना कमाता है, वो सरकार वाली डेफिनेशन ही जो बताई थी मैंने आपको कल परसों। बाबू 30,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, मतलब साल का 360, सरकार कहती है कोई टैक्स नहीं देना। भैया अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है बेटा। एक ही नहीं, अमीर आदमी 12 लाख रुपये कमाता है, भैया शुरू के 5 लाख तक तेरे ऊपर कोई टैक्स नहीं है, अगले 5 लाख की तेरी इनकम पे 20% टैक्स है मतलब 1 लाख, और अगले 2 लाख की इनकम पे तेरे ऊपर 30% टैक्स है मतलब 60,000। तेरे 12 लाख में से 1,60,000 रुपये हमने टैक्स ले लिया, तेरी इनकम को क्या क्या कर दिया, 10-40 छोड़ दिया। समझ में आ रही बात? आपकी इनकम 8 लाख रुपए तो भैया शुरू की 5 तक कोई टैक्स नहीं, अगले 3 लाख पे 20% टैक्स है 60,000। 8 लाख में से 6,500 छीन लिए, तेरे रह गए 7-40। भैया जितनी तरक्की करते जाओगे ना उतना टैक्स बढ़ता जाएगा। इनकम टैक्स को बोला गया प्रोग्रेसिव इन नेचर। सही बोला गया ना, नाम कितना ठीक दिया ना, प्रोग्रेसिव है ना, ठीक है ना। व्हाइल इनडायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोपोर्शनल इन नेचर, बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस अमीर और गरीब का फर्क ही नहीं करते, तभी इनको बोला गया प्रोपोर्शनल इन नेचर। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अमीर खरीद रहा है या प्रोडक्ट या गरीब। अमूल बटर आप गरीब हो, आपने एक खरीद लिया, भैया 5% टैक्स है उसमें, और आप अमीर हो आपने 10 खरीद लिया, भैया 10 के 10 पे 5% टैक्स दिया होगा। इसमें अमीर और गरीब का कोई अंतर नहीं है इनडायरेक्ट टैक्सेस में, वो सबके ऊपर है और बराबर है बिल्कुल। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्रोपोर्शनल इन नेचर। क्लियर है बेटा बात? समझ आई सारी बात? चारों डिफरेंस क्लियर हुए? चलो अब वापसी आ जाओ बेटा। बाबू एक बात बताओ प्लीज, मेरी तरफ देखो। डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे से चार्ज करे, पैसा मिला कि नहीं मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? मिला। पैसा मिला मतलब रिसीट है, पहले तो यही कंफर्म कर लो ना रिसीट है या एक्सपेंडिचर है। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो पहले तो यही कंफर्म करो सर रिसीट है, ठीक है जी। अब सोचो कैपिटल है या रेवेन्यू, सर कैसे पता लगेगा? बेटा डेफिनेशन बताएगी बाबू। क्या सरकार का टैक्स रिसीव करने से कोई सरकार की लायबिलिटी आती है या सरकार की कोई एसेट्स कम हो जाती है? बेटा कैसे की बात कर रहे हो, सरकार की लायबिलिटी आती है? अब ऐसा कह सकते हो मोदी जी मैंने आपको टैक्स दे दिया है 10,000 रुपए इनकम टैक्स, इस बार तो पक्की बात है मेरी ट्यूशन की बार की सड़क कन्फर्म बन जानी चाहिए, तो तुम्हारी लायबिलिटी है ऐसे? भैया सरकार काम करे क्या ना करे बिल्कुल निकम्मी हो जाए, सरकार की कभी कोई लायबिलिटी नहीं आती टैक्स लेने के बदले में। क्लियर है बेटा बात? समझ में आती है? चाहे कोई सरकार इनडायरेक्ट टैक्सेस चार्ज कर रही है कोई लायबिलिटी नहीं है सरकार की। क्लियर हूं मैं बात को लेकर पक्का से? बाबू नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स की बात करता हूं बेटा, ये क्वांटिटी में 9 है, ठीक है जी। करेंगे बहुत जल्दी जल्दी बात, ठीक है जी। बाबू शॉर्टकट याद ही होगा शायद, उम्मीद करता हूं। ये कैसे बोल सकते हो, ये तो आने वाला आईपीएल
कितना प्यारा शॉर्टकट। और वो आईपीएल एफ 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 की एफ क्यूब कह लो ईजीएस, ये शॉर्टकट है ठीक है ना। इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड डिविडेंड लाइसेंस फी फीस फाइंस एंड पेनालिटीज फोर फीचर एस शीट्स गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स और बेटा स्पेशल असेसमेंट, ये नौ ठीक है जी। मेरा पेपर नहीं है वो आपका है। वो इंटरेस्ट मेरी तरफ देखना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया या किसी फॉरेन गवर्नमेंट को लोन दिया, वहां से बेटा ब्याज कमाया इस साल। सर पहली बात तो ये रिसीट है कि नहीं भैया? ब्याज आया, रिसीट तो है बाबू, रिसीट कंफर्म है, रेवेन्यू है या कैपिटल ये कैसे पता लगे बाबू? डेफिनेशन जिंदाबाद। ब्याज की इनकम आने से क्या कोई सरकार की लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है या कोई एसेट्स रिड्यूस हो जाती है? कुछ भी तो नहीं। तो बाबू कैसे रिसीट्स आएंगे? रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है जी। अब डेफिनेशन को ना मैं साइड छोड़ दूंगा, जो डेफिनेशन की मैंने बात बोली इन सब पे लगती है एज इट इज, अगर आपको समझना है तो पूछ लेना किसी की भी कोई बात, ठीक है जी। बेटा नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। बेटा सरकार अगर किसी एंटिटी में 100% शेयर होल्ड करती है तो वहां से आता है प्रॉफिट, और जहां 100 से कम होल्ड करती है वहां से आता है डिविडेंड, ठीक है जी। इंडियन रेलवे सरकार का शेयर 100%, सर वहां से कमाया प्रॉफिट, बाबू कोई लाइबिलिटी नहीं आई, कोई एसेट्स रिड्यूस नहीं हुई। या LIC सरकार का शेयर अब 96% नॉट 100%, 4% शेयर मार्केट में बेच दिए बाबू, 96% शेयर, वहां से आता है सरकार को बहुत मोटा डिविडेंड। सर सरकार की कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती डिविडेंड से, ठीक है जी। बाबू लाइसेंस फी, अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं बेटा जिनकी सरकार परमिशन देती है और उसके बदले में एक फी चार्ज करती है बाबू, इसके बदले में भी सरकार की कोई लाइबिलिटी नहीं आती। जैसे कि बेटा एक कमर्शियल व्हीकल अगर आप देखते हो, कई बार आपने ट्रक के ऊपर देखा होगा लिखा होता है ऑल इंडिया परमिट, बेटा उस ऑल इंडिया परमिट लेने के लिए ना आप सरकार को लाइसेंस फी देते हो, इसके बदले में सरकार की कोई लाइबिलिटी नहीं आती कि वो साफ सुथरे हाईवे देगी आपको कि आपने ऑल इंडिया परमिट ले लिया कि पूरी दुनिया भर में जा सकते हो। या आप गन का लाइसेंस बनवाते हो, ठीक है ना, आपका बिजनेस ऐसा है जो बड़ा सेंसिटिव है, जहां आपको गन की जरूरत है। मान लो बेटा आप ज्वेलर्स का काम करते हो, जहां आपको पक्का से चाहिए इस चीज, बेटा आपने लाइसेंस बनवा लिया, आप कोई ना कोई तो सरकार को फीस दोगे ना इसकी, क्लियर है बेटा बात? समझ में आती है लाइसेंस भी बाबू? नेक्स्ट आइटम इज फीस, सुनते रहो बेटा बाबू प्लीज सुनते रहो बाबू। अगर आप चाहो तो आप इन दोनों हेडिंग को क्लब करके भी लिख सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है, पर ठीक है अगर इन्होंने अलग बनाई है तो मैं अलग की बात कर देता हूं बाबू। फीस में ना मतलब किसी चीज के अप्रूवल की फीस नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ फीस में कोई और बात है। लाइसेंस फी में जबकि किसी चीज की अप्रूवल मिल रही थी मुझे तो उस बात की फीस है। जैसे कि बेटा कोर्ट फी, अगर आप बेटा कोर्ट में किसी पार्टी के ऊपर एक मुकदमा थोकना चाहते हो, एक लॉ सूट फाइल करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं बेटा उसकी एक नॉमिनल सी फीस रहती है जो आपको भरनी पड़ती है, जिसके बदले में सरकार की कोई लायबिलिटी नहीं है और कोई एसेट्स रिड्यूस नहीं होने वाले। समझ में आती बात? या बेटा हम व्हीकल खरीदते हैं, हमें व्हीकल की आरसी मिलती है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमारे नाम पर, और वो उस आरसी की एक फीस रहती है। अगर आपको आइडिया हो, आप गए जी, आपने पूछा व्हीकल कितने का, मैंने कहा इस व्हीकल की कीमत 90,000 रुपए एक्स शोरूम प्राइस। आपने कहा एक्स शोरूम नहीं ऑन रोड बताओ, उसने कहा अच्छा एक्स शोरूम तो 90 है, ऑन रोड आपको 1,05,000 का पड़ेगा। मैंने कहा 15,000 की इस बात के, सर आरसी की कॉस्ट है, सर इंश्योरेंस के खर्चे हैं, सर एंटी पॉल्यूटिंग व्हीकल का सर्टिफिकेट बनवा कर देंगे आपको, यही करते हैं ना। तो बाबू आरसी की सरकार को कोई ना कोई आप फीस जरूर दोगे, जिसके बदले में सरकार की कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं? इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड डिविडेंड लाइसेंस फी और फी, कोई दिक्कत तो नहीं? बेटा फाइन्स एंड पेनालिटीज, समझाने की जरूरत नहीं है, इंडिया में हो किसी भी कानून को तोड़ते हो ब्रीच करते हो तो बेटा सरकार को कोई ना कोई फाइन पेनल्टी आपसे पक्का चाहिए। ज्यादा दूर क्यों जाते हो, ट्रैफिक रूल्स पे आ जाओ बस, कोई भी ट्रैफिक रूल तोड़ोगे चलान आते हैं, सरकार को देते हो आप पैसे, सर सरकार की कोई लायबिलिटी नहीं है उसके बदले में,
ठीक है ना, किसी भी लोगों को तोड़ोगे कोई ना कोई फाइन पेनल्टी पक्का है। बढ़ाएं बात को आगे बेटा, फोर फीचर। बेटा फोर फीचर का मतलब होता है चीजों को जब्त करना, ठीक है ना जी। और जब्त करने के एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं बेटा। बाबू एक एग्जांपल ये बैठता, मान लो इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने आपके प्रेमाइसिस पर रेड करी, ठीक है जी। और प्रेमाइसिस पर रेड करने के बाद उनके पास सबूत है कि आपके पास अनडिक्लेयर्ड एसेट है 100 करोड़ की, ठीक है जी। और उन्होंने आपके ऊपर बेटा एक क्लेम फाइल कर दिया 100 करोड़ की एसेट्स पे हमारा इनकम टैक्स इतना बैठता है दो। बाबू आपने क्या किया, उनके खिलाफ भी मुकदमा डाल दिया हाई कोर्ट में कि ये झूठ बोल रहे हैं, इतनी मेरे पास एसेट्स नहीं है, मैं तो मुकदमा करना चाहता हूँ। बाबू हमारे ना कोर्ट ऑफ लॉ का एक प्रोसीजर है, अगर आप बेटा ऐसे मुकदमा करना भी चाह रहे हो ना तो आप कर तो सकते हो मुकदमा, लेकिन 25% पैसे जमा करा कर। मान लो इनकम टैक्स ने आपके अगेंस्ट लाइबिलिटी निकाल दी 40 करोड़ रुपए की, कि आपको 40 करोड़ का इनकम टैक्स देना चाहिए, और आप मुकदमा करना चाह रहे हो 40 करोड़ देना नहीं चाह रहे, तो बेटा कोर्ट मुकदमा तो सुनेगी पर कोर्ट कहेगी पहले 10 करोड़ रुपए जमा कराओ। और आप ऐसे केसेस में क्या करते हो, 10 करोड़ की एफडी बनवाते हो कोर्ट के नाम, और एफडी पड़ी रहती है कोर्ट में, जो भी ब्याज लगता रहेगा वो ब्याज भी जुड़ता जाता है। वो अब कोर्ट सुनना शुरू करेगी मुकदमा, क्योंकि आपने 10 करोड़ जमा करा दिए हैं। और मैं कहूं बेटा 2-3 हियरिंग के बाद ही आप गायब हो गए, जब आपको लगा कि मैं मुकदमा ना हार जाऊं, और कोर्ट पूरी कोशिश करी आप ट्रेस नहीं हो रहे, 10 बार सम्मन भेज दिया पता ही नहीं कहां, कोई ट्रेस मतलब कहीं से भी कहीं तक ट्रेस नहीं हो रहे, क्या करेगी बेटा कोर्ट, उठाकर सारा का सारा पैसा सरकार को दे देगी, आदमी भाग गया फरार हो गया, जब तो हो गया, ठीक है ना जी। क्लियर है बेटा बात, समझ में आता है। वैसे फोर फीचर का मतलब अगर आप शेयर्स वाली बुक अकाउंट्स में पढ़ चुके हो तो ये मतलब आपने पढ़ा ही है कहीं ना कहीं, फोर फीचर का मतलब जब्त करना है, फोर फीचर ऑफ शेयर्स तो पढ़े हैं ना भैया, ठीक है जी। चलो मैं आपका इंटरेस्ट खत्म नहीं करना चाहता, वरना मैं एक बात बता के इंटरेस्ट खत्म कर सकता हूँ आपका, बोल दो इंटरेस्ट खत्म कर दो। वो जो आपने पूरी बुक पढ़ी है ना इशू ऑफ शेयर इशू डिबेंचर, बाबू आपका इंटरेस्ट खत्म करने की बात तो ये है, आज की तारीख में शेयर इशू करने की सिर्फ एक एंट्री होती है, जितना चैप्टर पढ़ रहे हो सब यूजलेस है, काट के फेंक देना। नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ना बेटा, क्यों पढ़ना है, कहना ये यूजलेस है, प्रैक्टिकल स्टडी कराओ। बाबू कंपनी आज की तारीख में आपको शेयर कब देती है, अगर आप इतने समझदार हो, और बिजनेस स्टडीज में मैं कभी कभी शेयर मार्केट की बात करता हूं तो ये तो समझो बेटा कि कंपनी आज की तारीख में शेयर आपको कब देती है, पहले आप 100% पैसे देते हो तो शेयर मिलते हैं, कहीं कहां से होगा शेयर, जब कौन से शेयर को इंस्टॉलमेंट में इशू करने की बातें कर रहे हो, एक ही एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बस पूरा चैप्टर खत्म हो गया। दिस इज आर एजुकेशन सिस्टम, ब्रिलियंट एजुकेशन सिस्टम, जो चीज 20 साल पहले खत्म हो चुकी है उसे 20-20 साल तक पढ़ाएंगे, 100-100 साल तक पढ़ाएंगे। चलो खैर क्या ही बोलूं मैं, ठीक है जी। अब चैप्टर मत पढ़ना जिसने नहीं पढ़ा, इग्नोर मारो बेटा। नेक्स्ट आइटम इज एस शीट्स। बेटा एस शीट्स का मतलब क्या होता है, बाबू अगर किसी इंसान की डेथ हो जाती है और पीछे कोई लीगल हायर नहीं है तो बेटा सरकार सबकी लीगल हायर है, ठीक है ना, सारा का सारा पैसा प्रॉपर्टी वो सरकार का हो जाएगा, ठीक है जी। सब ऐसे तो सरकार की कुछ ऐसी चीजें भी हो जाती हैं बेटा जो कभी किसी की नहीं होती, मतलब सरकार यार बहुत इस चीज में बहुत ज्यादा गलत है, ठीक है ना। एक शामली में ना एक जगह है, मेरी नानी रहती है शामली में, मैंने शायद आपके साथ डिस्कस भी करी थी ये बात, वो उनके ना पड़ोसी के घर ना बहुत ज्यादा सांप आते थे, बहुत ज्यादा, मतलब यार देखो हर दूसरे दिन सांप। तो उन्होंने मतलब वो बिलीव करते हैं थे ऐसा कुछ एस्ट्रोलॉजी में, तो उन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर को बुलाया तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ना जमीन के नीचे खजाना है। नहीं मैं अपार्ट फ्रॉम जोक्स ऐसा हुआ था, ठीक है ना, कि खजाना है आपको ना खुदाई करानी चाहिए, उन्होंने ऐसा प्रेडिक्ट किया, और मतलब कई साल उनके घर सांप आए, कई साल, पता नहीं उनको क्या सोची उन्होंने, बेटा खुदाई करा ली। सर नहीं सर इट इज अपार्ट फ्रॉम जोक, क्योंकि मैं इस चीज की बहुत बड़ी कंफर्मेशन हूं बेटा,
इतना खजाना निकला तो हम सोच भी नहीं सकते, सोच के बियॉन्ड। और हुआ क्या, आर्कियोलॉजिकल सर्वेस करने आ गए, मतलब लोगों को खबर लग गई, भैया देखो सबने सबने पैसे चुराए उसमें, सबने, किसी ने कोई मौका छोड़ा, भैया मजदूर मिस्त्री जो खोद रहे वो कहां से छोड़ देंगे, उन्होंने उठाए जिनका घर था, उन्होंने कहा छोड़ने थे, बस सब एक दूसरे को यही करे थे, कोई किसी को बताए ना, कैसे नहीं पता लगेगा, इतने जने हाथ मार रहे हैं भैया उसमें। भैया सरकार तक भी पहुंच गई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले आ गए, बहुत खजाना लेकर गए, बहुत ज्यादा खजाना। सर मैं क्या बोलूं इस चीज को, ये कोई एस चीज से कम था क्या? सरकार को तो मौका लगना चाहिए, कौन छोड़ रहा। चलो जी बाबू सामने देखो जी, भैया मेरी दो तीन बातें रहती हैं, मेरे को वो खत्म करने दो बेटा। नेक्स्ट आइटम इज गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, नेक्स्ट आइटम इज गिफ्ट एंड ग्रांट। अब सबने घर जाते दुआ करने शुरू करी, आजकल साहब हमारे घर भी आए, हे भगवान कैसे निकम्मे हो तुम। बेटा नेक्स्ट आइटम इज गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स बाबू, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई फॉरेन गवर्नमेंट या कोई बेटा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट कोई गिफ्ट कर रहा है, सर पहली बात तो रिसीट है, हमें पैसा आ रहा है, दूसरी बात बेटा गिफ्ट के बदले में कभी कोई लायबिलिटी नहीं आती, ठीक है जी बाबू। लास्ट वन है स्पेशल असेसमेंट, ऑल्दो प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने कभी इस चीज का देखा नहीं है, पर बेटा मैं समझा जरूर देता हूं बाबू। सरकार अगर किसी एरिया की बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करती है तो आप देखते हो आसपास की प्रॉपर्टीज के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं बेटा। अगर ऐसा होता है तो सरकार आपसे कह सकती है जो आपके दाम बढ़े हैं उसका एक सर्टेन परसेंटेज हमें पे कर दो, इसके बदले में सरकार की कोई लायबिलिटी नहीं आएगी, इसे स्पेशल असेसमेंट बोलते हैं। लेकिन बेटा इसका इंडिया में कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलता। वो मैं बोलूं बेटा आपकी शॉप थी नॉर्मल सी जगह थी, सामने से सरकार ने हाईवे निकाल दिया और 4 लेन 8 लेन हाईवे निकाल दिया, सर आपकी प्रॉपर्टी रात तो रात डबल 4 गुना 8 गुना हो जाएगी। पर बेटा क्या आपको सच में कुछ पे करना होता है ऐसे केसेस में सरकार को? बेटा मैंने आज तक नहीं सुना, ठीक है ना, बस हाँ टर्म है और वो भी थ्योरेटिकल है, इसका प्रैक्टिकल रियलिटी नहीं है इंडिया में, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आती है बात बेटा? नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स जितनी थी सभी पढ़ा दी मैंने, नौ की नौ बाबू। कैपिटल रिसीट्स की बात करेंगे, बस चार हैं, 4 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको कराने में, सब सामने देख लो बाबू। डेफिनेशन बताने के बाद याद कराओ फटाफट से क्या बोली थी, इट आइदर क्रिएट्स लाइबिलिटी और कॉसेस रिडक्शन इन एसेट्स। बेटा या तो ये लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे आपकी या आपकी एसेट्स को रिड्यूस कर देंगे। बेटा सबसे पहली बात बोरोइंग्स और लोन्स, सब सामने देख रहे हैं बेटा, बेटा चाहे बोरोइंग कह दो चाहे लोन कह दो, मेरी तरफ देखना बाबू। अगर हमारे देश की गवर्नमेंट ने, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहीं से भी लोन लिया, इधर फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, फ्रॉम आरबीआई बेटा, फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, फॉर फॉरेन मॉनेटरी इंस्टीट्यूट, किसी से भी पैसा ले लो भैया, लोन लिया पैसा तो आया, लेकिन पैसा आना मतलब रिसीट्स तो है, कंफर्म बेटा रिसीट्स तो है, पर कैपिटल या रेवेन्यू ये कैसे पता लगे बाबू? डेफिनेशन बेटा, क्या लोन लेने से आपकी कोई लाइबिलिटी अराइज होती है या आपकी एसेट्स कम होती है? अकाउंट्स के बच्चों मुझे क्या ही बताना पड़ रहा है आपको बाबू, लोन लेते हो लाइबिलिटी नहीं आएगी क्या? आएगी तो बाबू कौन से रिसीट्स? कैपिटल रिसीट्स, डन बेटा। सेकेंड वन इज रिकवरी ऑफ लोन बाबू, आपने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया हुआ था, आप सेंट्रल गवर्नमेंट, आपने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया हुआ था, आज आपने स्टेट गवर्नमेंट से लोन की रिकवरी करा ली, वापस ले लिया पैसा, बेटा ये चीज आपकी एसेट्स को रिड्यूस कर देगा। जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन दिया होगा, आप भी जानते हो अकाउंट्स के स्टूडेंट हो बेटा, अगर हम किसी को लोन दे रहे हैं हम अपनी एसेट्स में दिखाना शुरू कर देते हैं, लोन्स एंड एडवांसेस टू डैश एंड डैश, जिसको भी हम लोन्स एंड एडवांसेस देते हैं, अगर वहां से रिकवरी हो जाएगी मेरी तो एसेट्स कम ही हो जाएगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, दो बातें समझ में आती है पक्का बेटा। थर्ड वन इज डिस इन्वेस्टमेंट बेटा, डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब समझते हैं शायद,
बाबू सेलिंग ऑफ शेयर इज टेक्निकली नोन एज डिस इन्वेस्टमेंट, और ज्यादातर ये टर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए इस्तेमाल होती है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी किसी जगह से होल्डिंग कम करती है, सेल कर देती है शेयर, तो बेटा हम टर्म बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट कर दी सरकार ने। बाबू जैसे कि सरकार ने हाल ही में LIC से किया, 4% शेयर LIC के मार्केट में बिकवा दिए, IRCTC के बिकवा दिए, बहुत सारी एंटिटीज को बेटा प्राइवेटाइजेशन की तरफ घसीटना शुरू कर दिया। बाबू 4% शेयर बेचे आपने, डिस इन्वेस्टमेंट कर दी, क्या होगा बेटा डिस इन्वेस्टमेंट करने से? बेटा जब मार्केट में शेयर बेचोगे पैसे आएंगे, रिसीट तो कंफर्म है पर कैपिटल है या रेवेन्यू, ये बात डेफिनेशन सेटिस्फाई कराएगी। बाबू डिस इन्वेस्टमेंट अगर आपने करी है LIC में से, सर आपकी एसेट्स रिड्यूस हो गई हैं। कल तक आपने एसेट्स में दिखा रखा था कि आपकी LIC में होल्डिंग 100% है, सर अब दिखाओगे क्या 96%। इट रिड्यूस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, क्लियर है बेटा बात? लास्ट वन बाबू स्मॉल सेविंग्स। बेटा पोस्ट ऑफिस में कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जिसके पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलते हैं, जैसे कि बेटा एक स्कीम का नाम है आपने सुना हो शायद, मैं हमेशा बोलता हूं इसके बारे में, KVPs। बेटा KVPs क्या होते हैं? किसान विकास पत्र। या बेटा आपने सुना हो NSCs, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। बेटा ये कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो FD से जल्दी पैसा डबल करती हैं, यानी कि इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट FD से भी ज्यादा होता है, और इनमें इन्वेस्टमेंट करने से बेटा टैक्स में छूट मिलती है, एडवांटेज मिलती है। वो FD आज की तारीख में 10 साल में पैसा डबल कर देती है। पोस्ट ऑफिस जाओ, कहो किसान विकास पत्र खरीदने हो या 60,000 रुपए के, कितने में पैसा डबल? वो आपको बताएगा 8.5 साल में पैसा डबल या 8 साल में पैसा डबल, यानी कि FD से ज्यादा ब्याज है इसमें और टैक्स में छूट अलग मिलेगी आपको। बाबू ये पैसे जाते किसके पास है? पोस्ट ऑफिस जरूर आपसे लेता है बेटा, लेकिन ये पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाते हैं, एंड इट क्रिएट द लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि उनको डबल करके वापस करने हैं आपको 10 साल में, या मतलब जो भी 8 साल में और 8.5 साल में। समझ में आती है बेटा बात? बाबू फर्स्ट और फोर्थ गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्रिएट करेगा, सेकंड और थर्ड गवर्नमेंट की एसेट्स को रिड्यूस करेगा, पैसा चारों में ही आएगा सरकार के पास, इसलिए रिसीट्स। ठीक है जी, रखते आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।